हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ज़मीन के यहां पर नक्शा से अपने ज़मीन को कैसे मापेंगे। बाप दादा परदादा का कोई भी ज़मीन हो तो पूरी तरीके से कैपे मैपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैपिंग आपको दिख रहा है, ये मैपिंग कहाँ से लाना है वो चीज़ आपको बता देते हैं। जाहिर सी बात है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये जो मैपिंग है, फर्स्ट में मैं बता रहा हूँ, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है। आपका प्रिंटिंग मैपिंग नहीं होना चाहिए। जो ऑफलाइन निकलता है, मान लीजिए कहीं भी आपका शहर में जो नक्शा निकलता है, उस नक्शे पर आपको करना होता है। इससे आपको गलत रिपोर्ट आ सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। मैंने प्रिंट किया है बस वीडियो बनाने का। तो ये नक्शा कहाँ से मिलेगा, किसी शहर से निकलवा सकते हैं। जो भी आपके गांव मौजा का जो ज़मीन का नक्शा होता है, वो किसी भी कर्मचारी के पास भी रहता है, या जो भी आपके गांव के अमीन वगैरह हैं या गांव के किसी भी सदस्य के पास आपके ज़मीन का कागजात जरूर होता है। तो वहां से आप लोग पूरी नक्शा ले लेंगे। नक्शा यहां पर पूरी बड़ा में रहता है, इस टाइप पर रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्रिंट किया हूँ, ऐसा आपका नक्शा होगा। सारा प्लॉट दिया रहता है, देखिए 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 24 प्लॉट, 23 प्लॉट, इस तरीके के दिया रहता है। अब इसको मैपिंग कैसे करना है वो चीज़ आपको बता देते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, आपको नक्शा होनी चाहिए। जो ज़मीन का यहाँ पर नक्शा शो कर रहा है, नक्शा होना चाहिए आपको, ऑफिशियल नक्शा, जो भी आप अमीन से कहीं से भी मांग कर रख लीजिएगा। दूसरा होता है जरीब। ये जरीब क्या होता है उसको जानने से पहले गुनिया बता देता हूँ। तो गुनिया ये होता है, देखिए मैंने गुनिया को एक बार टाइप कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं ये कड़ी है इस तरीके के। और देखिए 100 कड़ी बराबर में लिखे हैं एक जरीब। आपको भी बता दूं कि ये गुनिया है। गुनिया में जो पॉइंट में आता है 1, 1, 2, 3, उसको जरीब बोला जाता है। और नक्शा तो समझेंगे आपको 3 पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली आपको दिखा देते हैं ये जो ज़मीन का नक्शा है, उसके बाद यहाँ पर जरीब मैं बोल रहा हूँ। तो जरीब इस टाइप पर रहता है, स्केल की तरह। देखिए मैं अभी स्केल लिया हूँ, जिस तरीका से ये स्केल में 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, यहाँ पर 10 तक होता है। जो 100 कड़ी के मिलकर आपको एक जरीब बना होता है। तो पूरी बात यहाँ पर समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट में है, इसी को जरीब बोला जाता है। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। देखिए यहाँ पर 0 से 1 तक आने में आपको 10 पॉइंट लगते हैं, 1 पॉइंट का 20 कड़ी बोला जाता है। और 0 से 1 तक ये जो भी अंदर में यहाँ पर पाई खींचा हुआ है, जो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, उसको बोलते हैं जरीब, और इसको बोलते हैं गुनिया। अब देखिए इन दोनों का देखिए अगल बगल में एक पीतल कलर का पीतल का बना होता है, और जो ये वर्ग कड़ी है ये प्लास्टिक का बना होता है। तो फाइनली आपको समझना है, जो एक जरीब होता है 66 फीट होता है, 20 मीटर होता है, 100 कड़ी होता है, 22 गज का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें इन्फॉर्मेशन में ये है आपको कि मैंने यहाँ पर बताया है 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर पूरी तरीके से, 1 डिसमिल बराबर, यहाँ पर मैंने साफ सुथरा में यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, 1 कट्ठा बराबर 4 डिसमिल यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर बिहार में 3.125 डिसमिल होता है 1 कट्ठा में। मैं मैक्सिमम मान लिया हूँ 4 डिसमिल, क्योंकि मुझे बताने में आसानी होगी। अगर 3.125 में बिहार से बिलोंग करते हैं तो ले सकते हैं, ये पॉइंट में आपको हल करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं मैक्सिमम 4 डिसमिल लेता हूँ कि मुझे हल करने में आसानी होगी। तो अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, भारत में किसी भी अगर राज्य से बिलोंग करते हैं तो हर एक राज्य का अलग अलग यहाँ पर 1 डिसमिल में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 कट्ठा में 4 डिसमिल के जगह 3.125, कहीं भी मान लीजिए पंजाब हरियाणा में जाएंगे 3.124 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, तो कहीं कहीं 1.3 पॉइंट लगभग में 4 डिसमिल पहुँच जाएगा, इस तरीके से होता है। अब देखिए 1 एकड़ में 25 कट्ठा होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 1 एकड़ में 100 डिसमिल ज़मीन होता है। तो फाइनली अब चलते हैं अपने नक्शा को आपको मैपिंग करके दिखा देते हैं, इतना चीज़ सारे चीज़ अवेलेबल रहना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मैपिंग के आ गया हूँ, यहाँ पर मैप करके आपको दिखाते हैं। देखिए इससे मैपिंग करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं किसको नाप कर मैपिंग करके दिखाऊँ आपको, इस बात का ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो 6 प्लॉट हैं, इसको मैं मैपिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लंबाई है, लंबाई को यहाँ पर मैपिंग करेंगे। वीडियो बस ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। अब देखिए यहाँ से लेके 1 तक ही आ रहा है, एकदम फिक्स 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में है, यानी कि 150 कड़ी है। 1 0 से 1 तक 100 कड़ी, और 0 से और आधा चला जाएगा हाफ में, तो 50 कड़ी ले सकते हैं। तो वहाँ पर कितना हो गया हमारा, 150 कड़ी। तो मैं यहाँ पर लंबाई लिख देता हूँ 150 कड़ी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लंबाई लिख लिया 150 कड़ी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब अपना चौड़ाई को यहाँ पर मैपिंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि 100 वर्ग कड़ी है, 100 वर्ग कड़ी। अब देखिए हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, तो 150 गुने यहाँ पर 100 कर देंगे,
अब देखिए यहाँ पर मैं गुना कर लिया हूँ, यहाँ पर एल गुने बी यहाँ पर बोला था लंबाई गुने चौड़ाई करके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15,000 वर्ग कड़ी। अब देखिए हम चूंकि जानते हैं 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, आपको पहले ही यहाँ पर बताए हैं 1 डिसमिल बराबर 1,000 वर्ग कड़ी होता है। अब देखिए 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, तो हम यहाँ पर 15,000 करके देख लेते हैं, डिसमिल में निकाल लेते हैं 15,000 का क्या होगा, तो यहाँ पर 15,000 भागा में 1,000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि कितना बचा हमारा 15 डिसमिल। अब देखिए डिसमिल में हमारा 15 डिसमिल जमीन निकल चुका है। डिसमिल को दोस्तों यहाँ पर कट्ठा में बदल सकते हैं, देखिए 1 कट्ठा बराबर 4 डिसमिल, तो कितना कट्ठा होगा यहाँ पर, 4×16 यानी कि 4 कट्ठा तक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कट्ठा में बदल सकते हैं, एकड़ में बदल सकते हैं, बीघा में बदल सकते हैं, एकड़ में, तो इस तरीके से आप अपने ज़मीन को पूरी तरीके से मैपिंग कर सकते हैं।